नान बनाने के लिए लेंगे हम सबसे पहले आटा, मैदा और थोड़ा सा जो है इसके साथ लेंगे हम नमक, अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सोडा, उसको फिर मिला के उसके बाद थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद थोड़ा सा दही मिला के इसको आटे को अच्छे से गूंद लेंगे टाइट करके एकदम। स्टफिंग के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं उबले हुए आलू, कटा हुआ प्याज, पिसी हुई हरी मिर्च, इसके बाद नमक और साथ ही में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला भी डालेंगे हम और उसी के साथ स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालेंगे। चलिए अब हम नान तैयार करते हैं। हम इसको पहले बेलेंगे जैसे भी आकार में हमें बेलना है। मैं थोड़ा इसको इस तरीके से बना रही हूँ, फिर हम इनको कढ़ाई में इस तरह से लगाएंगे और फिर इसके थोड़ा सीखने के लिए हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा सीख जाएगा उसको हम पलटेंगे और फिर से थोड़ा सा सीखने देंगे थोड़ी देर में। सो हमारे नान अब रेडी हैं।